स्टूडेंट्स, हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर की संरचना। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको अभी ब्लॉक कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बताया था, जिसमें मैंने सारे पार्ट्स को समझाया था आपको। तो उसी से रिलेटेड हमारी कंप्यूटर की संरचना होती है। जो भी हमारे कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं उनके मध्य जो संबंध होता है, यानी कि एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं और कोरिलेटेड होते हैं, तो उसी पूरी संरचना को क्या कहते हैं हम, कंप्यूटर्स की संरचना। नंबर वन पॉइंट है इसमें कंप्यूटर के प्रमुख जो तीन भाग होते हैं उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो यूज़र यानी मनुष्य क्या है, यूज़र। यूज़र जो डाटा या निर्देश कंप्यूटर में प्रविष्ट यानी कि जो टाइप करता है, प्रविष्ट यानी टाइप करता है, और टाइप करने के लिए जिन डिवाइसेस का यूज़ करता है जैसे कि माउस है, कीबोर्ड है, इनको हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइसेस। और इन इनपुट डिवाइसेस के कुछ वर्क्स होते हैं, कार्य होते हैं, जो कि देखिए आपका ए पॉइंट है, यूज़र द्वारा दिए गए डाटा को कंप्यूटर सिस्टम में उपलब्ध कराना। कंप्यूटर सिस्टम को ये क्या करता है, यूज़र द्वारा जो भी डाटा या इन्फॉर्मेशन दिया जाता है वो कंप्यूटर सिस्टम को उपलब्ध कराता है। यूज़र द्वारा निर्देशों को प्राप्त कराना, यानी कि यूज़र जो भी निर्देश देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, वो भी ये कंप्यूटर को प्राप्त करवाता है, और यूज़र द्वारा दिए गए कमांडों को भी ये प्राप्त करवाता है। यानी कि कमांड क्या है, आदेश, निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शन, सुझाव, तो ये लगभग दोनों सेम ही होते हैं। अब आपका आता है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस यानी कि जब हम इनपुट देते हैं तो उसका हमें जो आउटपुट मिलता है वो किन डिवाइसेस के थ्रू मिलता है, किन डिवाइसेस के द्वारा मिलता है, आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा। जैसे कि हमारा मॉनिटर है, प्रिंटर है, ये सारे हमारे क्या हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस जैसे प्रिंटर से हमें उसकी जो पेपर पे कॉपी मिलती है, कॉपी के रूप में मिलती है, उसे हम हार्ड और सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। सॉफ्ट कॉपी क्या होती है, जो हमारे कंप्यूटर पर जो एप्लीकेशंस पे जो डाटा फीड होता है उसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। और हार्ड कॉपी वो होती है जब हम किसी भी डाटा या इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर से जुड़े प्रिंटर से क्या करते हैं, पेपर पर प्रिंट निकाल लेते हैं, तो वो हमारी हार्ड कॉपी होती है। तो समझ में आया आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, जो भी हमारे इनपुट का प्रोसेस करके आउटपुट जिन डिवाइसेस पे प्रदर्शित होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइसेस। इनके इनके वर्क्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्लास।